पावर प्लस न्यूज जूनियर के ऑफिस में पंजाब के नामवर नाथ खान, बशीर गोलड़वी और एहसन गोलड़वी की आमद। इस मौके पर बशीर गोलड़वी ने पावर प्लस न्यूज का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैंने पंजाब के बहुत सारे शहरों में जाकर नाथ खानी की, मगर आज पावर प्लस न्यूज के ऑफिस में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो बशीर अहमद गोलड़वी साहब, मैं आपका बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ और एहसन गोलड़वी साहब का, सैयद इरशाद अली शाह साहब का, कि जिन्होंने पावर प्लस न्यूज़ की दावत को कबूल किया और हमें अपने कीमती टाइम में से टाइम दिया। तो बशीर अहमद गोलड़वी साहब, आपको कितना अर्सा हो गया है सरकार की हमदो सना करते हुए, और किन किन जगहों पर जाके, किस किस शहर में जाके आपने अकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदो सना की, तो इस हवाले से जरा हमें बताइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इस चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें बुलाया और बाबा शाहसर साहब ने हुक्म फरमाया और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं काफ़ी देर से नाथ खानी के शुबे में और ख़ास करके अल्लाह ताला ने मेरी रहमत फरमाई और मेरे पीर मुर्शिद फ़कीर लहरी अली सरकार की नसीहत नसीह सरकार की वजह से, उनके गाँव से मैं जिस मुकाम पर हूँ, और मैं काफ़ी सीखियाँ की हैं। और उस वक्त किसी का दौर था जिस वक्त मैंने अल्लाह की मेहरबानी है, मेरे उस वक्त काम बहुत मशहूर है जिसकी वजह से मेरी बहुत ज़्यादा पहचान है। एक कलाम था आका की महफल, आका की महफल गरीबा ने मेरी पंजाबी का कलाम था। ये एक और कलाम था, ये शायर थे रमजान करनी साहब चश्माबादी के, उनका कलाम लिखा हुआ है। एक और कलाम था, इनका लिखा हुआ था, मेरी जान ने मदनी ढोले दी, ईमान ने मदनी ढोले दा। ये दो कलाम जो उस वक्त मेरी बहुत पहचान बने, इसकी वजह से अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इज्जत दी और अल्लाह का और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना करने से मुझे बहुत सुकून मिला। मैं जब से नाथ खानी शुरू किए, जिक्र मोहम्मद वाले मान को शुरू किया, उस वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह के मेरे बेटे अली हसन गोलड़वी साहब, हाफिज़ मोहम्मद अकीक गोलड़वी साहब, ये अल्लाह ताला ने ये ख़ास अनायत फरमा दी, ये मेरे साथ ही होते हैं, हम जिधर भी जाते हैं इकट्ठे पढ़ते हैं। अच्छा, ये बता रहे हैं कि जो एहसन गोलड़वी है, इनको आपकी तरफ से देख के शौक पड़ा, आप इनको महफिल में साथ लेके जाया करते थे, या फिर वैसे ही इसमें एक अपनी मोहब्बत थी, अपनी लगन थी कि सरकार की हमने सुना शुरू कर दी इस नन्हे बच्चे ने? जैसे बहुत छोटा सा था, खाना मैं के नहीं जाता था महफिल पर, ये भी छोटा था, ये भी छोटे थे जी, ठीक है। और इस ये जो है, ये मिक्स कर रहा था तो ये मेरे साथ से जाने लग गया, ठीक है। जब ये जाने लग गया तो ये भी जाने लग गया, अल्लाह ने कर्म कर दिया। ये इससे बच्चा छोटा सा 7 और 8 साल का था जब से ये नाथ खानी कर रहा है। कितने शहरों में जाके आपने सरकार की हमदो सना की है? मैंने बहुत ज़्यादा शहर जो भी है इस गजियत पर, मैं तो बहुत ज़्यादा ही, मैंने बहुत ज़्यादा जिनों के शहर में अल्हम्दुलिल्लाह शहर से बाहर होता है, पिंडी पट्टियाँ ये छंग है, इधर काफ़ी इलाकों में अल्हम्दुलिल्लाह गया हूँ। अल्लाह ताला की बड़ी खैरनवाजी है, सरकार ने बड़ा इज्जत से नवाजा और लोगों ने। अच्छा, जो आपकी कोई ख़ास ऐसी जो नात जिस पे आपको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली हो, बहुत ज़्यादा आवाम ने उसको पसंद किया और सरकार की हमदो सना को, तो वो कोई दो बोल हमें बोल के सुनाए सरकार के जो ज़्यादा लोगों में आपकी ज़्यादा फेमस हुई और लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा पसीराई दी। जी, वो पहले कलाम मैंने पढ़ा था, पंजाबी कलाम है, आपको सुनाता हूँ। I'm not afraid.
सोचा कि मैं सरकार की हम तो सुना करूँ, तो कैसे ये आपकी ड्यूटी लग गई, कैसे आपको ये हुआ सारा, इसके हवाले से? पहले तो मुझे शौक नहीं था, जब मैं वही तो हुआ हूँ बड़ा शीशा इस साल का, तो अलहमदिल्ला उससे मुझे शौक इतना हो गया कि मैंने कोई काम नहीं किया हो, दिन रात यही काम किया, कोई काम और नहीं किया, कि मैं मेरे सरकार ने अपने सरकार ने बहुत कर्म फरमाया और यहाँ पर से रोड में बाबा शाह साहब ने बहुत अपना दिल फरमाया, पहले तो मैंने खुद ही शुरू किया, तो जब फिर बाद में मैं भी और मेरे बेटे भी शाहपुर में उस्ताद आशिफ अली खान साहब, तो माशाल्लाह अच्छे हैं वो जो है वो खासा उस्ताद के शिगिर्द हैं, उनका फिर मैं शिगिर्द हुआ, मैं बेटे को शिगिर्द पाया उनका, मैंने समझा कि ज़रूरी है कि उस्ताद का तो होना ज़रूरी है, मुश्किल भी है उस्ताद भी है ना पिंदा। ऐसा मेरा आपसे सवाल है कि आप बताएं कि आपने अपने वालिदे मोहतरम से क्या कुछ सीखा और क्या समझते हैं कि आप आगे जाके कितना एक सरकार का नाम रोशन करने में कितनी मेहनत और करेंगे? माइक ले लें आप। मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा सरकार की हम दो सुना कर देते हैं अच्छा। अच्छा आपकी कोई ऐसी मशहूर नात, जैसे कि मैंने आपके वालिदे मोहतरम से पूछा, ऐसे कुछ आप भी बताएंगे जो लोगों ने आपको बहुत ज्यादा मोहब्बत दी हो, बहुत चाह दी हो, तो वो दो कलाम आप हमें सुनाएं। हक निभाना मेरे हुसैन का है, हक निभाना कहेंगे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप?
शुक्रिया अदा करता हूँ आपका जिन्होंने आए हमारे अंदर। जी बशीर अहमद गोलर साहब, आप हमारे चैनल में आए, आपका बहुत शुक्रिया, यहाँ पे आपने हमें टाइम दिया। तो आप पावर प्लस के हवाले से क्या कहते हैं, क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे आवाम को पावर प्लस न्यूज के हवाले से? और मेरी दुआएं इस चैनल को मेरा मालिक और दिन तुमने तरक्की तरक्की फरमाए, और जिन दोस्तों ने मुझे यहाँ बुलाया अल्लाह ताला आपको खुशियाँ अता फरमाए, और मेरी दुआ है इस चैनल को मौला मजीद तरक्की अता फरमाए, और अल्लाह ताला के दरख्वास्त है मेरी कि मालिक रहमत फरमाए। और बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपने हमें बुलाया चैनल पर, और हमारे हमारी जो सरकार की हम तो सुना सुनी मेरा मालिक। हमारे जो सीओ साहब हैं राजा अब्दुल गफार साहब के, तो हमारे सीओ साहब के लिए क्या आप मैसेज देंगे, हमारे मालिक जो चैनल के जो सीओ साहब हैं उनके हवाले से क्या आपके पास है कुछ? मैं उनका दिल की अथाह शुक्रिया अदा करता हूँ, साहब ने हमें याद फरमाया अल्लाह ताला। मैं दुआ कर सकता हूँ क्योंकि हम दुआ को लोग होते हैं, हम दुआई करते हैं अल्लाह ताला उनकी बहुत रास्ता फरमाए, और अल्लाह ताला इस चैनल को तरक्कियां अता फरमाए, मेहरबानी फरमाए, और खुसूसी रहमत अता फरमाए। जी बहुत शुक्रिया बशीर अहमद गोलड़ी साहब, एहसन गोलड़ी साहब और अतीक गोलड़ी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमें कीमती समझते हुए, हमारे चैनल को कीमती समझते हुए अपना टाइम दिया। तो मैं भी आपके लिए दुआगो हूँ, और अपने इदारे के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी इज्जत और तरक्की का अपनाती नसीब अता फरमाए। तो मैं जनाब अपने इदारे की तरफ से, अपने सीओ साहब की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें ये इज्जत बख्शी, तो हमारे एक छोटे से दावतनामे पे आप हमारे पास आए।